पी ब्लॉक का एक जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने लिया, उस जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने चर्चा की कि इस ब्लॉक पे कौन है और क्यों है। लेकिन अब बारी है वन बाई वन एक एक ग्रुप को पढ़ने की, एक एक वर्ग को सीखने की। तो बेसिकली सबसे पहले अपन 15th ग्रुप को सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और जिस तरह से अपन लोग 15th ग्रुप को सीखेंगे एज इट इज सेम टू सेम 16, 17, 18 ग्रुप तक उसी स्ट्रक्चर में उसी ढांचे को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले 15th ग्रुप पे अपने हेडिंग डालते हैं, इसमें एलिमेंट कौन है। अरे पता तो चले ये आदमी है जिनको सीखना है, ये बंदे जिनके बारे में जानना है, उनको एलिमेंट्स बोलेंगे अपन लोग। जिन तत्वों के अपन को सीखना है, जिनके बारे में जानना है, उन एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 15th ग्रुप अपनी हेडिंग है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट कौन कौन है इसके अंदर आपको सबको अच्छे से पता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक नानी पापा आंसू बिस्मिथ एंड सॉरी एंटीमनी यानी बिस्मिथ। हाँ इनका नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कौन कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट अपनी मेन हेडिंग है अकरेंस। अकरेंस मतलब उपलब्धता प्रकृति, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग इसी के साथ अकरेंस। अकरेंस मतलब उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब प्रकृति में ये हमें किस रूप में पाए। देखो यार प्रकृति में नाइट्रोजन के बहुत सारे रूप हैं, किस किस रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस किस रूप में पाई जाती है, आर्सेनिक। देखो जनरली अपन लोग पहले दो एलिमेंट है ना उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पहले दो एलिमेंट के बारे में क्या क्या विशेष चर्चा है, जैसे अपन ये कहाँ पाया जाता है, इनके कुछ कंपाउंड्स, बहुत कुछ चर्चा है जो पहले दो एलिमेंट के बारे में करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की उपलब्धता के बारे में बात करता हूँ। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, अपने वायु में, एयर में। लगभग 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन अपने प्रकृति में, अपने वायुमंडल में, अपने जो एयर है उसके अंदर। तो मैं बोलूँगा 78% तो एयर के अंदर ही होगा इसका, 78% एयर में। ये तो हो गया कि जो अर्थ के ऊपर, अर्थ क्रस्ट में नहीं, अर्थ क्रस्ट मतलब भूगर्भ में भी पाया जाता है नाइट्रोजन। देखो भूगर्भ में बहुत सारे मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है वो सुनते हैं। नाइट्रोजन दो रूप में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एक तो NaNO3, एक KNO3। क्योंकि अर्थ क्रस्ट में रूप में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, भूगर्भ में पाया जाता है। इनके जो मिनरल नेम है वो क्या है, पहला NaNO3 को चिली सॉल्टपीटर बोलते हैं, KNO3 को इंडियन सॉल्टपीटर बोलते हैं। नाम दोनों को पता होने चाहिए, दोनों के नाम याद भी होने चाहिए, ठीक है। एंड इंडियन इंडियन सॉल्टपीटर। देखो मेनली नाइट्रोजन इन तीन जगहों पर पाया जाता है, दो एयर के अंदर, पहला एयर के अंदर और दूसरे दोनों अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के खूब सारे कंपाउंड्स होते हैं, एंजाइम्स के अंदर होते हैं। एनिमल्स बॉडी उसके अंदर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा कंपोजिशन है। लेकिन नाइट्रोजन के मेन जो तीन हिस्से हैं जो अपने को याद होने चाहिए वो ये हैं। उसके बाद आते हैं फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस मेनली एपेटाइट ग्रुप में पाया जाता है। एपेटाइट ग्रुप क्या है सुनते हैं, समझते हैं। देखो इसके अलावा एपेटाइट ग्रुप के अलावा देखो फॉस्फोरस एग्स में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, एनिमल्स बॉडी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। तो फॉस्फोरस की और भी बहुत सारी जगह जाने चले पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा फॉस्फोरस एक एपेटाइट ग्रुप जो बोन्स में, जिस तरह से हड्डियों में पाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो एपेटाइट ग्रुप में अब एपेटाइट ग्रुप होता है क्या वो सुनते हैं, उसको जानते हैं, उसको सीखते हैं ना। तो बेसिकली कैल्शियम का ये फॉस्फेट होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका 3 मॉलिक्यूल डॉट CaX2। यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड OH, F- Cl- एंड OH-। यदि फ्लोरीन आ जाए इस X की जगह तो इसको फ्लोर एपेटाइट बोलेंगे, यदि क्लोरीन आ जाए तो क्लोर एपेटाइट बोलेंगे, और OH ग्रुप आ जाए तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोले। ग्रुप नहीं बन गया है क्या तीन जनों का। तो इस तरह से अपन ये जो एपेटाइट ग्रुप है इसके अंदर देखो फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, फॉस्फेट के रूप में। इसके अलावा फॉस्फेट की रॉक्स चट्टाने होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी नेचर में कहाँ और किस तरह से पाया जाता है अपन देख सकते हैं। बच्चे तीन और आर्सेनिक, इनको वही कलर वही कोडिंग जो चल रही है अपनी, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया एंड बिस्मिथ। ये तीनों
अर्थ क्रस्ट में जो ओर्स है सल्फाइड के ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है मेनली, इन दोनों को पता होना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं अपने को, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने डिस्कस किया कौन कौन एलिमेंट है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो आपको याद होना चाहिए वो सब बताया। अब आते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो जैसे रेडियस एक जनरल बात है जो सबके बारे में करेंगे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है एक जनरल बात है, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक जनरल बात है। तो जनरल बात है जो इस ग्रुप के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं वो वन बाई वन करते हैं। तो मेरी नेक्स्ट हेडिंग है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। याद करो अपन ने पहली हेडिंग ही लिखी थी अकरेंस, सॉरी एलिमेंट्स, उसके बारे में अकरेंस, अकरेंस के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, इनके बारे में कुछ जनरल बातें, तो करते हैं डिस्कस वन बाई वन। देखो जनरल प्रॉपर्टीज वही है जो पीरियोडिक टेबल में आपने सीखी है, पांच पॉइंट है, पांचों पॉइंट, चार पांच जो पॉइंट है वो सारे के सारे आपने कहीं ना कहीं सीखे हैं पीरियोडिक, सब कुछ रिवाइज होगा, कुछ नया नहीं आएगा, जब नया आएगा तो आपको बताया जाएगा। चलो तो इन एलिमेंट्स की अपन बात करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हेडिंग है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। इन जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं रखता हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ हिंदी में बोलता हूँ, इस वर्ग की सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म का मतलब है जो जनरली आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया जो सब ग्रुप के बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए, जो कि एक पी ब्लॉक का हिस्सा है, सीधी सी बात है यार, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात करें इस ग्रुप में। देखो इस ग्रुप में आप देखो कि मतलब आपको एक बात बता दूं किस तरह से जनरल लिखा जाता है, जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना वो इसके पूरी फैमिली का है, क्योंकि एक ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है। नाइट्रोजन का एक बार लिखो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, 3, 7 इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट सेल का, लास्ट सेल का जो अरेंजमेंट नाइट्रोजन में मिला है ना वो कब अरेंजमेंट सब में मिलेगा क्या, इसको मैं बोलता हूँ ये नाइट्रोजन 2 मिला है। तो यदि मैं एक जनरल चीज़ लिखना चाहूँ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS2 लास्ट में और NP3। अब सुनना, NS2 NP3 जो मैंने लिखा है वो जनरल पूरे ग्रुप का लिखा है। यदि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के केस में N इज टू 2 नहीं हो गया क्या, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। फास्फोरस की बात करता N इज टू 3, आर्सेनिक की बात करता N इज टू 4, एंटीमनी की बात करता एन इजक्स टू 5, और बिस्मिथ की बात करता तो एन इजक्स टू 6। तो इसमें सारों के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाते क्या, और इस तरह से हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता था सिंपल सी, जैसे 2s2 2p3 हो जाता, 3s2 3p3 हो जाता, 4s2 4p3 हो जाता, 5s2 5p3 हो जाता, 6s2 6p3 हो जाता, ठीक है। खास बात क्या है इस कॉन्फ़िगरेशन की, इस कॉन्फ़िगरेशन आप देखो ये पी जो है हाफ फील्ड है। देखो एक बार चेक करो, एस के दो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं लेकिन पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आए, जबकि पी के अंदर मैक्सिमम कितने होल्ड हो सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 होल्ड हो सकते थे लेकिन इसमें तीन भरे हुए हैं। यदि 6 के 6 होते तो इसको फुली फील्डेड बोलते हैं, और यदि 3 भरे हुए तो इसको हाफ फील्डेड बोलेंगे। जो हाफ फील्ड है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। तो खास बात स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये खास बात है, स्थायी विन्यास से कहीं ना कहीं बाद में काम में आएगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं रेडियस की। सेकंड पॉइंट इज रेडियस, त्रिज्या। तो नो डाउट टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर हर, जैसे आप सेकंड पीरियड में हो, जैसे थर्ड पीरियड में जाओगे, फोर्थ पीरियड में जाओगे, तो लास्ट एक नया सेल ऐड होता है, और हर नए सेल ऐड करने पर उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस, तो इसको मैं सिंपली लिखता हूँ ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम T2b, टॉप टू बॉटम T2b लिखेंगे इस तरह से ना, रेडियस इंक्रीजेस, त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें एक अच्छा पॉइंट आएगा, बहुत प्यारा पॉइंट आएगा, आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण
आयनीकरण ऊर्जा की परिभाषा बताई है कि लास्ट वैलेंस सेल से या लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूजली बॉन्डेड भी बोलते हैं। वैलेंस सेल को गैसेस एटम के लास्ट सेल से या लूजली बॉन्डेड सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, प्रभावी नाभिक की आकर्षण घटता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल पाता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, एनर्जी कम लगेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, टी टू बी जाने पर ऑन गोइंग गोइंग टी टू बी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो हाँ, एक खास बात क्या सुनना, यदि मैं बात करूँ 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और इससे पहले 14th ग्रुप, तीनों को लेता हूँ, तीनों कंपेयर करता हूँ, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप और 16th ग्रुप, यदि कंपेयर करने के लिए बोले इनके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, तो मैं एक एलिमेंट पिक ही कर लेता हूँ ना। 14th में कार्बन आ गया, 15th में नाइट्रोजन आ गया, 16th में ऑक्सीजन आ गया। यदि कोई बोल दे कि इनके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो एज यूजुअल पीरियोडिक टेबल लेफ्ट राइट जाते हैं, तो साइज डिक्रीज होता है, साइज घटता है, साइज घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा है। तो मैं क्या बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन 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 एक खास पॉइंट जो मैंने अभी बोला है तुम्हारे सामने, कि स्टेबल कॉन्फ्यूगरेशन होने की वजह से जो ऑर्डर है ये गलत हो जाता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है इस कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है इस कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 15th की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 16th। स्पेशल बात है, खास बात है, जिसका कारण के स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल सकते हैं हिंदी में इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ई ए या फिर मेरे को बोलना इलेक्ट्रॉन बंधुता हिंदी में, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सिंपल सा पॉइंट है क्या, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की डेफिनेशन क्या है, कि वैलेंस सेल या लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी की वैल्यू होती है, इसको हिंदी में बोलूं इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो विलगित परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निष्कासित होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही बोलते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियर साइज, सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इतना स्टेबल नहीं होता, जुड़ने पर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी क्या होती है, ई ए जो होती है एक्चुअली, टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज होती है। तो ऑन गोइंग टी टू बी ऑन गोइंग टी टू बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। लेकिन एक बहुत अच्छा और खास पॉइंट है, इस हिसाब से जो नाइट्रोजन उसकी जो ई ए है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की ई ए कितनी होती है, जीरो। क्या 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 क्या, ई ए ऑफ नाइट्रोजन, ई ए ऑफ नाइट्रोजन इज जीरो। नाइट्रोजन की ये जीरो होती है क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है। ऐसा क्यों, क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो सबके पास था, इसका कारण जाएगा आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली आप इस चीज़ को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, चेक कर सकते हैं 3, 2, 5। अभी 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किस तरह से अरेंज है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें किस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन नया इसके अंदर ऐड करना है, एक नया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करना है, सोचो कि एक जिसमें पहले से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है नाइट्रोजन के अंदर, एक फास्फोरस अच्छा खासा स्पेस पड़ा है क्योंकि उसका वैलेंस सेल एक तरह से बड़ा भी है, ऐसा बोल सकते, उसके अंदर खाली डी ऑर्बिटल भी पड़ा है, खाली जगह भी पड़ी है, यहाँ पर छोटा सेल है, 5 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, नए वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन मिलेगा, उसको नहीं लिया जाएगा, और लिया भी जाएगा तो ये स्टेबल फील नहीं करेंगे क्योंकि आपस में रिपल्सन इतना ज़्यादा करेंगे। तो इस केस में बोलूँगा कि जो ये होती है नाइट्रोजन की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जीरो हो जाती है, एनर्जी रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, रिपल्सन ज़्यादा लगता है। तो इस केस में बोलता हूँ कि ये क्या आएगी, इसमें ये रिलीज एनर्जी होती है, इसमें रिलीज होगी नहीं, तो ये क्या आ जाएगी, जीरो। तो अपने को पता चला कि चार्ज डेंसिटी जो है, एक्चुअल कारण क्या, चार्ज डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उसको नुकसान के अंदर लेके चली गई। तो ये बात समझ में आया होगा अपने को
किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN से डिनोट करते हैं इसको, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, नो डाउट विद्युत ऋणता की परिभाषा के पहले ही बता दो, नो डाउट क्या। हालांकि ये सारे ट्रेंड एक जैसे चल रहे हैं कि यदि रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हुई तो सारी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, ट्रिक लिखवाते हैं सब लोग, तो ये याद रहे तो भी ठीक है। जैसे रेडियस बढ़ी है टॉप टू बॉटम जाने पर तो IE डिक्रीज हुई है, EA डिक्रीज हुई है और EN भी डिक्रीज होगी, लेकिन लास्ट दो एलिमेंट्स की सेम हो जाती है। किस किस की? एंटीमनी और बिस्मिथ की। 1.9 1.9 सेम हो जाती है। अब तुम्हें याद नहीं रखनी वैल्यू, बस इतना याद रखना है टॉप टू बॉटम जाने पर ये वैल्यू डिक्रीज होती है और लास्ट में दो एलिमेंट की सेम हो जाती है। पहले मैं चर्चा करता हूँ EN होती क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी, उस टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी या प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियर इफेक्टिव अट्रैक्शन डिक्रीज होता है क्योंकि रेडियस इंक्रीज होती है, इस वजह से जो अट्रैक्ट करने या खींचने की जो टेंडेंसी धीरे धीरे कम नहीं होती जाएगी क्या? जब वो कम होगी तो ये क्या आ जाएगा? कम। तो मैं ये पॉइंट लिख दूंगा वापस, ऑन गोइंग T2B EN डिक्रीजेज। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज या रेडियस इंक्रीजेज, ठीक है, लेकिन लास्ट दो एलिमेंट की सेम हो जा रही थी। यदि कोई ऑर्डर लिखने के लिए बोले तो ऑर्डर लिख सकते हैं, नानी पापा आंसू सब बीमार, तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, इस तरह से। तो डाउट ही आना चाहिए साहब, इसमें तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है तो चार्ज डेंसिटी कोई रोल प्ले नहीं कर रही, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चार्ज डेंसिटी रोल क्यों प्ले कर रही है? बच्चों के डाउट आता है सर आपने इसमें तो चार्ज डेंसिटी से आपने एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो नाइट्रोजन की EN भी तो कम हो जानी चाहिए, वो भी तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है यार। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं बॉन्डेड, क्योंकि अपने कंप्लीट सेल में ट्रांसफर हुआ ही नहीं इलेक्ट्रॉन, पूर्ण रूप से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कोश में लिया ही नहीं, जब पूर्ण रूप से अपनी कोश में इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा तो काहे का रिपल्सन, थोड़ा अट्रैक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब डिफाइन करते तो इलेक्ट्रॉन पूरा अपन लेते हैं, रखते हैं उस सेल के अंदर जो एटम का वैलेंस सेल है, तो बात समझ भाई। तो अपन क्या बोलेंगे, इस केस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का प्रभाव पड़ता है, उस वजह से ये कम हो जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अपन लोगों ने अभी वाले लेक्चर में बेसिकली क्या क्या सीखा, एलिमेंट कौन कौन है, उनके अबेंडेंस क्या क्या, नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं और इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी जो आपके सामने, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो मेनली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिल्कुल लल्लू सी चीज़ है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने का मतलब लॉजिक भी नहीं है। रेडियस नहीं पूछा जाता पूरे ग्रुप की टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज जनरली पूछा किया जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का खास ये वाला पॉइंट। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही खास वाला, नाइट्रोजन की जीरो होती है वाला खास पॉइंट एग्जाम में आता है। EN में ऑर्डर पता होना चाहिए, लास्ट दो सेम होती है ये भी याद होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें डिस्कस किया कि इसमें एलिमेंट कौन है, वो एलिमेंट नेचर में कहाँ पाए जाते हैं और इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या, और जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।